अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खत्ते के लिए अहमियत का हामिल है, सुबह वजीर दाखिला का दावा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट जैसे जनाब जोसेफ जमाल खान मंदोखेर की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती पर डीसी रेस्ट हाउस बशीन में पुरतकल्लुफ सहराना दिया गया। बलोचिस्तान के नौजवानों के हकूक पर डाका डाला गया है, बीएनपी के मरकजी रहनुमा की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। बलोचिस्तान के नौजवानों के हकूक पर डाका डाला गया है, बीएनपी के मरकजी रहनुमा की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। इमरान खान रिजिम पेट्रोल और शेख खुर्दनोश की कीमतें कम करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान की हुकूमत पर तनकीद। हालिया बारिशों ने हुक्मरानों की कारकर्दगी का पुल खोल दिया, अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान की हुकूमत पर तनकीद। मुसीबत की इस घड़ी में हम सब ने मुसीबत ज़दा आवाम को रिलीफ फराहम करना है, डिप्टी कमिश्नर सिपी का इजहार यकजहती। चेयरमैन सेनेट ने नौकुंडी में पीने के पानी की किल्लत का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को खत लिख दिया। बेडा के नवाही इलाके मगरबी बाईपास पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जा बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दाखला मिर्ज़ा उल्लाह लांगो ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खत्ते के लिए अहमियत का हामिल है और इन हालात में पुरअमन तस्वीर की जरूरत है और वफाकी हुकूमत की जानिब से नई सफाती कोशिशों का आगाज इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुरअमन तस्वीर और वहाँ खून रेजी को फैलने से रोकने में बहुत ज्यादा संजीदा है। मिर्ज़ा उल्लाह लांगो ने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाजह है कि अफगान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों में मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो, क्योंकि गुज़श्ता दो दहाइयों से भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक 70,000 से ज़ायद लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे न करने देंगे। जस्टिस जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेर की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती पर उनके एजाज में बलोचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से डीसी रेस्ट हाउस बशीन में पुरतकल्लुफ जहराना दिया गया है। जहराने में अदालत आलिया बलोचिस्तान के जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान, असिस्टेंट कमिश्नर हजरत वली काकर, तहसीलदार समी आगा, सदर एनपीसी समी तरीन, हजरत काकर और दीगर आला हुकाम, बलोचिस्तान बार काउंसिल के अहदेदारान और सीनियर वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। बलोचिस्तान नेशनल हाईकोर्ट के मरकजी रहनुमा मेंबर सेंट्रल कमेटी और साबिक एमएनए मीर अब्दुल रऊफ मैंगल ने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ऑफिसर की भर्तियों में बलोचिस्तान को अक्सर नजरअंदाज करके गैर बलोचिस्तानियों की तकरीरियों पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जाली रुमसाइल भर्ती होने वाले गैर मकामी तैनातियों का केस चल रहा है, इस पर कोर्ट के सख्त रिमार्क्स भी मौजूद हैं। अब इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने तमाम खदशात को नजरअंदाज करके 11 के करीब इलेक्शन ऑफिसर पंजाब से भर्ती करके बलोचिस्तान के नौजवानों की हक तलफी की है, जिससे बलोचिस्तान के नौजवानों में बेचैनी पाई जा रही है। बलोचिस्तान के अजला में गैर मकामी लोगों को तैनात करके इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, जिसे बीएनपी हर फोरम पर मजबूत अंदाज में उठाएगी। बलोचिस्तान के नौजवानों के हक पर डाका डाला गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सेनेटर मौलाना हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इमरान खान वज़रा और किराए के तर्जुमानों की फौज जफर मौज बजट सेशन के दौरान अवाम को रिलीफ देने के दावे करते रहे, लेकिन नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत ने एक मरतबा फिर अशय खुदनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम से चीनी का हक छीन लिया है। इमरान खान रजीम पेट्रोलियम और अशय खुदनोश की कीमतें कम करने में बुरी तरह नाकाम रही है। अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने कहा है कि हालिया बारिशों ने हुक्मरानों की कारकर्दगी का पोल खोलकर सामने रख दिया है। सिब्बी बोलान झलमक्सी के अक्सर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तूफानी बारिशों से हलाकतों के साथ माल मवेशी अमलाक खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया साबका रवेश बरकरार रखते हुए गफलत और कोताही के मरतकब होकर महज दावों पे दावे और बेअमल ऐलानात तक महदूद रहा है। सिब्बी से लेकर बोलान और झलमक्सी तक बारिशों ने तबाही मचा दी है। जमात इस्लामी के रजाकार मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के दुखों की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहिर शाह ने कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सब ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मुसीबत ज्यादा अवाम को रिलीफ फराहम करना है। सिब्बी में एमएमडी की कारकर्दगी मायूस कुन है,
इरीगेशन, वापटा, PPHI, BNR, म्यूनसिपल कमेटी समेत तमाम महकमे अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें ताकि जिन इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई है उनको बहाल करने के साथ साथ आवाम को दरपेश मसाइल का हल भी मुमकिन हो सके। आवाम अपने आप को तनहा न समझे, मुश्किल की इस घड़ी में जिले इंतजामिया आपके साथ खड़ी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मलगशकोरी मरगजानी का हंगामी दौरे करने के मौके पर आवाम से गुफ्तगू करते हुए किया। एमएल सेनेट सादिक संजरानी ने चागे के इलाके डोकुंडी में पीने के पानी की किल्लत का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग चागे के मरासले का हवाला देते हुए लिखा कि इलाके में 60 से 70 किलोमीटर की हदूद में पानी के जखायर की अदम दस्तियाबी के सबब इलाका मकीन पानी की किल्लत के बाद शदीद मुश्किल से दो चार है। चेयरमैन सेनेट ने घट वाटर सप्लाई स्कीम में हंगामी बुनियादों पर जरूरी अमला तैनात करने की हिदायत की है। इस सिलसिले में जल्द फर्ज जारी करके पानी के पानी की फराहमी में ताखिर का सबब बनने वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अहकाम भी जारी करने की ख्वाहिश जारी की है। बिडा के नवाही इलाके मगरबी बाईपास पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जहां बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मगरबी बाईपास पर अख्तराबाद के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार रियाज अली जहां बहक जबकि शफकत अली जख्मी हो गया है, जिन्हें फौरी तौर पर BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया जबकि जख्मी को तिबी इमदाद दी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushrik.com.pk।